इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करीब 12 मिनट के इस वीडियो में हरियाणा के पानीपत जिले की कुछ महिलाएं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से खूब सवाल जवाब करती दिखाई दे रही हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल की शादी के बारे में भी पूछा तो सोनिया बोली, आप ही लड़की ढूंढिए ना। शादी कर रखे राहुल, आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। पेट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। इस पर राहुल ने भी अपनी मां के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि हो जाएगी शादी। बता दें कुछ दिन पहले यानी 8 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शिमला जाते हुए सोनीपत जिले के मदीना गांव में रुके थे। यहां उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की थी और किसानों के साथ धान की रोपाई भी की थी। करीब 2 घंटे तक खेत में रहने के बाद राहुल गांधी ने बैठी महिलाओं के पास जाकर बातचीत की। याद हो कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रसारित हुआ था जिसमें राहुल गांधी सोनीपत की महिलाओं से प्रियंका गांधी की फोन पर बातचीत करा रहे थे। इस दौरान महिलाओं ने प्रियंका गांधी से दिल्ली घूमने और खाने पर जाने की बात कही थी। आप मारी मारी पूछा आपका बारे में, अपने परिवार की बता नहीं बात कुछ है। मैं दिल्ली का हूँ। फिर हमने भी एक बार दिल्ली दिखा दी आपका काम घर। आ जाओ। अरे मेरा तो घर ही नहीं है। अरे मेरा सरकार ने घर ले लिया। ले लिया, फिर सरकार ही दिखा दियो। हेलो प्रियंका। हेलो। हाँ क्या बोलो, नमस्ते बोलो। हेलो जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्या कर रही हैं आप, कैसे हो आप? ये अकेली नहीं है, यहाँ पे 20 महिलाएं हैं। गणी हाँ जी, हम तो कई खड़ी। हाँ आप कैसे? आप खेती में काम कर रही हैं? हाँ जी, धान लगा रहे हैं। बोलो बोलो क्या पूछ रहे थे? ये आपके घर खाना खाना चाहती है? हाँ जी। ये यहाँ पे सब 20 महिलाएं हैं, सब आपके घर आके खाना खाना चाहती है। मैंने कह दिया कि आ रहे हैं जी। मारे यो खेत का काम धान ढूंढ लाग जेंगे जब आवेंगे। तो आपका खेत का काम कब खत्म होगा? न्यू तो कदे भी नहीं होता जी। ना जी, माई कभी नहीं जान दें, इतना काम है, मम्मी से बात भी नहीं होती। ये कह रहे हैं इनका काम खत्म नहीं होता कभी। अच्छा वो कह रही है, वो खाना ले आए क्या यहाँ? ना जी यहाँ नहीं लाना, वो आ जाओगे। ना जी यहाँ नहीं। भैया को बोलो एक दिन भैया आए और आप लोगों का सबको बिठा के खुद चला के। हाँ जी, यह बात वेरी गुड है, वेरी गुड है। ये आपसे डेट मांग रही है। कोई भी डेट बोल दे। आपने दिल्ली देखी है? नहीं देखी। ना जी हमने दिल्ली नहीं देखी। तो फिर दिल्ली तो दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, मैं आपके घर आऊंगी आपके भाई के साथ। तो प्रियंका गांधी ने भी उनको लंच पर इनवाइट कर लिया था। बस फिर क्या था, गांधी परिवार ने मिनी बस सोनीपत के लिए रवाना कर दी। राहुल की बेना जी मारती फोन करा था, मार द्वारा बात करी थी, आप आ जाओ हम खाना खुआंगे, आप गाड़ी भी भेजेंगे और कभी भी टाइम लगा जब जी जरूर आवाएंगे। जब आप बुला रहे हो, आप इतनी दूर तो आए हो तो हम भी चलेंगे। हम चूरमा बना रहे हैं, प्रियंका जी और सोनिया जी के लिए चूरमा बना के लेके जाएंगे दिल्ली आज। उन्होंने हमारे को इनवाइट किया था कि खाने पे आप जरूर आना, फ्री होके जरूर हमारे पास आना। आज हमारे लिए बहुत खास दिन है, आज हम बिल्कुल फ्री हैं और जाने के मूड में, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे।
नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हो जी? भैया को खेती सिखाई? हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार जी, अच्छे हैं? आपसे मिलके और अच्छे हो गए। आपका हो गया? हाँ हो गया जी। रोतिया था। एक आँख किया या दोनों आँख किया? दोनों, इसमें थोड़ा है, इसमें था गणा। इसको आप उतारना मत, इसको थोड़ी देर रखना है। हाँ, ये चश्मे के बिना ना जाना, ठीक है? हाँ। कैसा लगा दिल्ली, कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा प्यार लग गया। चलो, सपना देख रहे हैं। क्या जी, हमारा सौभाग्य है जो आपने हमारे को इनवाइट किया। आपकी और उन महिलाओं को बुलाकर दिल्ली की सैर कराई और गांधी परिवार ने सोनीपत गांव से आई महिलाओं के साथ बैठकर खाने का मजा लिया। इस टेबल पर बैठे सभी के खाने का आनंद लेकर आप भी सोच रहे होंगे कि काश हम भी वहां मौजूद होते। इस मजेदार भोजन में बच्चे भी शामिल हुए, जिनसे राहुल गांधी ने हालचाल जाना और उनको चॉकलेट भी दी। ये माहौल वाकई भावुक करने वाला था। गांधी परिवार में इतना प्यार महिलाओं के लिए देखने लायक था। इस दौरान महिलाओं की तरफ से गांधी परिवार के लिए सवालों की लाइन लग गई थी। महिलाओं ने प्रियंका गांधी से उनके बचपन की बातें पूछी तो प्रियंका गांधी ने अपने बचपन की बातें उनसे साझा की। आप शरारती थे ना? ये राहुल भैया, आप बताओ क्या लगता है? शरीफ लगता है ना? हाँ जी। नहीं नहीं, ये हाँ हाँ हाँ, मैं खाती थी। मैं तो छोटी थी, तो मैं नोट्स लेती थी या कभी कभी हाथ पकड़ लिया तो मैं डांस लगा लेती थी, तो दिखता था। तो ये मुझे ये गुस्सा मार देता था, पीछे दिखता ही नहीं था। तो पिताजी को लगता था कि यही इसको तंग कर रहे हैं। घर चलाने वाली आई महिलाओं ने महंगाई के मुद्दे पर भी बातचीत की। कहा कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। प्याज कमा रहा है, घर खा लिए, ये वजी इतनी महंगाई होगी, वह मिट्टी चला ली थी, जिंदगी नहीं खा सकती। टमाटर भी बना लो, टमाटर तो देखते भी नहीं है, इतने महंगे हो गए। वेरी एक्सपेंसिव है सब कुछ। तो जमींदार आदमी तो नहीं खरीद सकता ना 200 रुपए किलो? तो जीरा भी महंगा हो गया, जीरा भी नहीं है। जमींदार खेती करता है तभी तो देख खा पाता ना। जीरे लगाते हैं, कनक लगाते हैं, खुवात कितनी दिन रात एक करते हैं जी, फिर भी हमारे को बजट नहीं बन पा रहा है। खाद बीज बढ़ा दिया, दवाइयाँ बढ़ा दी। अग्निवीर का जब लागू किया तो कितने बच्चों ने सुसाइड किया, तो बच्चे को 5-4 साल के वो कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? ये देखो नौकरियाँ तो खत्म कर दी, अब गरीब बच्चे, ये देखो मतलब गरीब इंसान उसमें पढ़ा रहे हैं, ये सारा सिस्टम प्राइवेट होने के कारण फिर फायदा क्या हुआ? जमींदार हम कितने दिन मतलब तिल तिल के मर रहे हैं। देखो वहाँ पे खेतों में बाढ़ आ जाती है, कोई मुआवजा नहीं मिलता। सर ये देखो GST लागू कर दी, छोटी सी मोटर लेने जाते 12,000 की मिलती है। पूछते हैं भैया ऐसे क्यों, कह रहे कि 10,000 रुपये तो रेट है, 2,000 रुपये GST है। तो गरीब मतलब किसान, ये देखो आप क्या क्या मतलब कर मैनेज कर पाएगा है? अच्छा सिलेंडर बढ़ा दिया, बिजली के बिल इतने भर नहीं सकते। हाँ अगर बिजली के बिल नहीं भरेंगे तो मीटर काटते हैं। ये देखो आप सिलेंडर कितना टाइम चलता है आपके? एक मतलब एक महीना चलता है, तो उसमें फिर वही दिक्कत आती है, एक महीने के लिए 1,200 रुपए। ये देखो खाने के दौरान महिलाओं ने गांधी परिवार की जमकर तारीफ की। क्या की मूर्त रह ली है, तो इनके बारे में तो जितना बोले उतना ही कम है। आपकी तो कई पीढ़ियों से ही त्याग चल रहा है। सलूट है मैम आपको, धन्यवाद हमारे जो की मतलब आपके साथ साथ दर्शन होने लग रहे हैं। ये देखो शानदार भोजन में सभी हंसते खिलखिलाते खुश नजर आए। हरियाणवी महिलाएं भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए अपने गांव से मठा दही और घी लेकर आई थीं। देसी घी? हाँ जी देसी घी है। ये गाय का है, ये भैंस का है। अच्छा। ये देखो ये लस्सी है। ओहो कितना सारा सामान। गांधी परिवार द्वारा महिलाओं को कराए जाने वाले इस भोजन की हर कोई तारीफ कर रहा है। इस भोजन का रोचक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा किया गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग गांधी परिवार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। भोजन पर आई महिलाओं ने कहा है कि ये भोजन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भोजन और यादगार पल रहा। हर कोई महिलाओं के संग गांधी परिवार के इस भोजन को देख तारीफ करते नहीं थक रहा है। डोसा आपको अच्छा लगा? क्योंकि मेरी माँ कह रही थी उनको डोसा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ सबको डोसा अच्छा लगा, दोनों साथ में खा लेंगे। आप ये लो।